अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है ठीक होंगे। जी तो दोस्तों, आज हमारी वीडियो है ईद स्पेशल, और ईद स्पेशल में हम बनाने जा रहे हैं कलेजी कढ़ाई। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत आसानी से बन जाती हैं। तो चलिए बिना वक्त ज़ाय किए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि मेरे चैनल की हर न्यू अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। सबसे पहले कढ़ाई में 1/3 कप तेल डालकर इसमें एक मीडियम साइज़ की प्याज चॉप की हुई शामिल कर दें, और तब तक फ्राई करें कि जब तक प्याज गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। जब प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इसमें 3 मीडियम साइज़ के टमाटर शामिल करके 1 से 2 मिनट तक फ्राई करें। 1 से 2 मिनट मीडियम हीट पर फ्राई करने के बाद इसमें 1/2 टेबल स्पून या हसबे ज़ायका नमक शामिल कर दें, और मीडियम हीट पर तब तक पकाएं कि जब तक टमाटर अच्छी तरह गल ना जाएं। टमाटर अच्छी तरह गल जाएं तो इसमें 1/2 कानी का चम्मच पिसा हुआ धनिया, 2 चाय के चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चाय का चम्मच जीरा पाउडर शामिल करके अच्छी तरह मिक्स कर लें। जब ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो इसमें 1/2 kg कलेजी शामिल कर दें। उसके बाद 2 टेबल स्पून वाइट सिरका, 2 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ अदरक और 2 टेबल स्पून बारीक कटी हुई लहसुन शामिल करके 8 से 10 मिनट तक मीडियम लो फ्लेम पर पकाएं, या तब तक पकाएं कि जब तक मसाला तेल ना छोड़ दें। जब मसाला तेल छोड़ दें तो इसमें 1/3 कप पानी शामिल कर दें। 1/3 कप पानी शामिल करने के बाद 1/2 टीस्पून मेथी और सिर्फ 1 चुटकी कलौंजी शामिल कर दें, और उसके बाद 1 से 2 मिनट तक मीडियम हाई हीट पर इसे पकाएं। उसके बाद 4 से 5 अदद बारीक कटी हुई मिर्च शामिल करके अच्छी तरह मिक्स कर लें। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद फ्लेम को ऑफ़ कर दें, और 3 टेबल स्पून चॉप किया हुआ हरा धनिया शामिल कर दें। जी तो व्यूअर्स, मज़ेदार कलेजी कढ़ाई तैयार है। उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि मेरे चैनल की हर न्यू अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। मेरी नई आने वाली वीडियो तक मेरा इंतज़ार कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।